यार मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है, तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप लोग ये देखिए, मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है यार। दुआ करें कि बारिश ना हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का जो भी हालत हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची बचा हुआ है, लेकिन बाकी सिंध पंजाब वगैरह पूरा बहुत बुरी हालत में, और यहाँ तो भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। मैं आया हूँ टेरिस पर, मैंने बोला चलो कुछ आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। ये हवा चल रही है, इस वजह से बारिश नहीं हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट हवा बहुत ज़्यादा ही तेज है। तो चलो यार, मैं इतना देर ऊपर नहीं रह सकता, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो चलते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए मैं छत पे नहीं जा सकता। काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही है। ये मेरे सारे घर के पौधे नीचे गिर गए, सब ऊपर था, हवा इतना तेज़ चल रहा है, इस वजह से सारे नीचे गिर गए, क्योंकि ये ऊपर बंधा हुआ था। और तो बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है यार। बारिश इतनी तेज़ नहीं हुई, मैं समझा था बारिश तेज़ होगी और हो जाएगा कॉलेज का छुट्टी, बट ऐसा कोई सीन नहीं है, शायद छुट्टी हो जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे आते दूर से और मैं भी जाता हूँ काफ़ी दूर, लेकिन बारिश तो इधर ख़त्म हो गई है। पहले हो रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही बारिश। मैं रेडी शेडी होकर आ चुका हूँ टेरिस के ऊपर, और मेरा कपड़ा भी काफ़ी चूर है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है जब बारिश होती है तो लाइट वाला कितना तंग करता है। लाइट नहीं थी, इस वजह से कपड़ा प्रेस नहीं हुआ, और बारिश भी हो रही है थोड़ी तेज़ी टाइप की है। बट पापा ने कहा है कि तुम आज कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीचड़, और आप लोगों को तो पता है कराची का रोड कितना ही माशाल्लाह खूबसूरत है, और मेरा पाँव भी ठीक नहीं, इस वजह से मैं बाइक नहीं चला सकूँगा, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है, तो आज मैं नहीं जाऊँगा कॉलेज। तो आप लोगों को यही सब इन्जॉय करवाता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। मैं भी आया हूँ थोड़ा, मैंने कहा कि चलो थोड़ा टेरिस में कर लूँ इन्जॉय, फिर जाएंगे चाय वगैरह पियेंगे। तो चलो यार, अब चलते हैं जल्दी से नीचे, चाय वगैरह पीते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो ये आ चुके हम लोगों का नाश्ता, अब करते हैं जल्दी से चाय वगैरह पी कर फारिग होते हैं। तो यार चाय वगैरह पी कर फारिग हो गया, अब सीधा जाना है शॉप, क्योंकि पापा वेट कर रहे हैं शॉप में, उन्होंने मुझे बुलाया, तो देखते हैं क्या काम है उधर, जाते हैं अब सीधा हम लोग शॉप। तो यार दुकान वगैरह से फारिग हो गया हूँ, अब आया हूँ घर, देखता हूँ क्या काम है घर पे, दुकान वगैरह से सब चीज़ काम निपटा चुका हूँ। यार मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो मैं खुद देख कर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत रेम्बो है। मैं कर रहा था अपना काम, मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि जाओ ऊपर देखो रेम्बो है, मैंने बोला चलो मैं रेम्बो तो देख ही लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी साथ दिखा देता हूँ। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और पूरा गोल है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ये रेम्बो देख के, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगा है। देखें आप लोग माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू आ रहा है यार। तो चले इसी रेम्बो के साथ करता हूं मैं अपने व्लॉग को एंड। एक और चीज आप लोग देख लें, माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।